सब कुछ आ जाए, सबको कोई ज़रूरी नहीं है। तो किसी चीज़ को नहीं जानना गलत नहीं है। जो गलत है वो ये लगता है कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं और एक बहाना करते हैं उसे जानने का, और किसी न किसी तरीके से हम कोशिश ये करते हैं कि हमें तो आता है और हम उसे सीखना नहीं चाहते, ऐसा बहाना बना के कोई, वो चीज़ गलत है। क्योंकि सब कुछ आए ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। दुनिया में सब कुछ आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस कोशिश लगातार हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो जब कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं या ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, और उसे दूसरों को वो चीज़ आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको वो चीज़ नहीं आती, और नहीं आती है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करते तो किसी न किसी तरीके से वो पीछे रह जाते हैं, उस चीज़ को वो नहीं जान पाते, कभी भी नहीं जान पाते जो चीज़ उनको नहीं आती है। तो जब भी अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे मानना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं आती है। भाई बता दो, तुम ही बता दो यार क्या है ये। ऐसा कहने पर ना तो हम छोटे हो रहे हैं और ना ही हमें किसी तरह से कोई शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, बल्कि हमें कह देना चाहिए नहीं आता यार बता देना। ऐसा कहेंगे तो हर कोई बताने को तैयार हो जाएगा। वजह इसके कि नहीं आता था यार, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन वो ना आता तो था लेकिन ये तो हम तब जानते थे। तो ये सारे बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं। ये सब करने से अच्छा है कि हम मान लें कि ये हमें नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो हम हैं अंदर, वो हम जानते हैं कि ये हमें नहीं आता। वी डोंट नो दैट, वी डोंट नो दिस। ठीक है, तो जब हमको ये पता होता है सो वी मस्ट एक्सेप्ट इट एंड वी मस्ट बी रेडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स। तो हमें दूसरों से वो जानने के लिए या दूसरों से उस चीज़ को जानने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और पहले तो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि हमें नहीं आता, और जब हम ये स्वीकार पाएंगे तभी हम जान भी पाएंगे। क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। किसकी एक्सेप्टेंस? ना नहीं आता इसकी एक्सेप्टेंस। नहीं तो क्या, इग्नोरेंस अगर है तो फिर कभी भी नॉलेज नहीं आ पाएगा, एक्वायर नहीं कर पाएंगे हम कोई भी चीज़। तो अगर आपको नॉलेज एक्वायर करनी है हमको, तो हमको अगर हमें नहीं आता है तो हमें ये जानना होगा, ये बताना भी होगा कि हमें नहीं आता है। भाई तभी तो बताएगा ना दूसरा। अब किसी ने कुछ बोला और हम बहाने करते रह गए, वो भी समझ तो जाएगा कि नहीं आता, लेकिन वो हो सकता है उसको मन में ये आ जाए यार जानना नहीं चाहता, तो फिर तो बताने से भी रहा। तो उससे अच्छा यही है कि हम उसे एक्सेप्ट करें कि ये हमें नहीं आता, और जब हम मान लेते हैं ये हमें नहीं आता तो फिर लोग बताने को भी तैयार रहते हैं। और जब कोई बता रहा होता है ना, तो सबसे पहले हमारे में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बता रहा है, अगर मैं उसे सीखना ही नहीं चाहूँगा, अगर मैं उसे जानना ही नहीं चाहूँगा, तो अगला क्यों बताना चाहेगा? बताना चाहेगा कोई? भाई जब मैं जिसको नहीं आता है, वो सुनने को राजी नहीं है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो क्या पड़ी हुई है सामने वाले को बताने की? वो भी क्या करेगा? वो भी और कुछ ना कुछ बहाना बना के साइड हो जाएगा, चुपचाप फिर रहो कमी में। यानी कि जो हमको नहीं आता था वो अब भी नहीं आता है, जितना हमको आता था बस वही आता है। तो अगर सीखना है, जानना है और दुनिया को पहचानना है, तो नहीं को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि ये मुझे नहीं आता। जिस दिन हमें ये आ गया और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इग्नोरेंस की बजाय एक्सेप्ट कर लिया, तो हम एक्सेप्ट करने के बाद में उसमें मेहनत भी करेंगे और उसमें फिर आगे जानने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का अंत हो जाता है, वो चलता रहता है। कई चीज़ें इन्फिनाइट है, बिल्कुल इन्फिनाइट हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको अपनी जर्नी, हमें ये नहीं जानता लेकिन सीख लूँगा, ऐसे शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमको वो चीज़ आ सकती है, तभी जाकर हम उस चीज़ को जान सकते हैं। तब ऐसा होगा कि कोई भी हमें बताने को तैयार रहेगा, और जब बताने को तैयार रहेंगे वो तभी होंगे जब हम ये महसूस कराएंगे सामने वाले को, यार हमें नहीं आता तो तुम ही बता दो। ये फील कराना बहुत ज़रूरी है, वो भी प्यार के साथ, वो भी प्रेम से।
ये फील कराना कि हाँ मुझे ये नहीं आता, वो फील करा के वो चीज़ पहचानना जानना वो सबसे बड़ी बात है। तो आप यूँ ही अगर आपको जो चीज़ नहीं आता है उसे कह दीजिए नहीं आता है, या बता दीजिए कि नहीं आता है, तो शायद सामने वाला आप बता देगा। अगर हम बहाने करते रह गए, अगर हम यूँ ही टाल मटोल करते रह गए कि नहीं हमें तो आता है, नहीं हम तो बस ऐसे ही, तो फिर वो कभी भी नहीं आ पाए, कभी कभी नहीं आ पाए। जो चीज़ हमें आता है हमें उतने से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, और नई चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो अगर नई चीज़ें सीखनी है तो एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके अंदर हम कर लूँगा वो जज्बा, और साथ में नहीं आता तो सीखूँगा, ये थॉट प्रोसेस और ये थॉट्स हमारे मन में अवश्य होने चाहिए, हमारे मन में ज़रूर होने चाहिए। तभी जाकर हम कोई भी चीज़, चाहे किसी भी तरह का वो काम वो काज ग्रहण कर सकते हैं, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कुछ भी हो। तो बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कीजिए कि ये मुझे नहीं आता। हंसकर मिलिए तो लोग आपको सिखाने वाला भी कहीं मिल जाएंगे, फिर उसके बाद उस पर नाप तोल कर अपना मस्तिष्क लगाते रहिए।